ये एक मौका है। वो गोलियां खाने के बावजूद अपने घर बैठने को तैयार नहीं है। वो इस उम्र में अपने घर नहीं बैठ रहा। 70 साल का आदमी अपने लोगों के लिए लड़ रहा है। वो इस मुल्क को दूसरों की तरह छोड़कर जा सकता था। पूरी दुनिया में उसकी मकबूलियत और उसकी इज्जत बाकियों से ज्यादा है, मगर वो यहीं रहा, अपने मुल्क में, अपने लोगों के बीच में। एक के बाद एक मुकदमे का उसने सामना किया है। उसके ऊपर भोंडे इल्जाम लगाए गए, उसके ऊपर रोज एक झूठ बांधा गया, रोज एक नया प्रोपेगेंडा किया गया, उसके रास्ते में रोज एक दीवार खड़ी की गई, मगर वो डटा रहा, वो चलता रहा। उसके लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसके लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके लोगों को नंगा किया गया, मगर खौफजदा करने वाले हर हथकंडे के बाद उस आदमी ने एक ही बात की कि ला इलाहा इल्लल्लाह। वो यही कहता रहा कि ये कलमा उसको खौफ से आजाद करता है। और उसने ये कहा कि मैंने खौफ के बुत को तोड़ दिया है। आप सब भी खौफ के बुत को तोड़ दें। उस शख्स के फॉलोअर्स जो हैं वो भी दाद के मुस्तहिक हैं। लोग कहते थे ये मम्मी डैडी लोग हैं, लोग कहते थे ये बर्गर फैमिलीज हैं। लोगों को लगा था कि ये डर कर भाग जाएंगे। कोई इनको तितलियां कहता था, कोई इनको नरम पांव वाला बोलता था, कोई इनको कुछ कहता था कि इनके तलवे जल जाएंगे। लोगों ने बहुत कुछ कहा, बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन वो लोग बुजदिल नहीं निकले। उन्होंने किसी भी बुजदिल कार्रवाई का डट कर मुकाबला किया। अब ये उन लोगों के लिए और उनके लीडर के लिए एक बड़ा मौका है। 70 साल के आदमी ने अपना खून दिया है, लेकिन उसके बावजूद वो डट कर खड़ा हुआ। गोलियां लगने के बावजूद वो बाहर निकला, उसने अपना मुक्का लहराया और अपने लोगों को बताया कि मैं जख्मी जरूर हूं, मगर मैं हारा हुआ नहीं हूं। मैं टूटा हुआ हूं, मगर मैं थका हुआ नहीं हूं। मेरा खून बह रहा है, लेकिन मैं अभी जिंदा हूं और मुकाबला करूंगा। वो अपने लोगों को दोबारा आवाज दे रहा है। क्या उसके लोग इस मौके को जाया होने देंगे? देखना यह है कि ये लोग और इनका लश्कर किस तरीके से उतरता है और किस अंदाज में आगे बढ़ता है।